जोबट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां रात्रि गश्त के दौरान दो वाहनों से अलग अलग उन्होंने 75 लाख रुपए की शराब जब्त की है। वहीं जिस प्रकार से SMS न्यूज़ की टीम ने SDP नीरज नामदेव से बात करी थी, उन्होंने पूरी कहानी का खुलासा करते हुए वाहन सहित 1,28,00,000 शराब की कीमत बताई है, जो पुलिस को ने अब जब्त की है और पुलिस पूरे शराब को लेकर अब मामले में जुटी है, मामला दर्ज कर रही है। और जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है उसको लेकर SMS न्यूज़ ने जो पुलिस थाने के SDP से जो बात करी वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, जोबट थाना अंतर्गत रात्रि में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जोबट थाना अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया और मैंने दो टीमें गठित करी। दोनों टीमों के द्वारा पृथक पृथक वाहनों की चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान पुलिस को दो वाहन मिले जो कि ट्रक थे, और इनके ड्राइवरों से जब इनके शराब के विषय में पूछा गया तो इनके द्वारा मौके पर कोई भी कागजात पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह अवैध शराब होना प्रथम दृष्टया पाई गई। इस दौरान पुलिस ने जो है दो मामलों में पृथक पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इसमें पुलिस को दोनों वाहनों से 2460 पेटी अवैध शराब जो कि माउंट रियर होना पाई गई, और जिसकी कुल कीमत 76,75,200 रुपए है, और इसमें दोनों में ट्रक भी जब्त किए गए हैं दोनों प्रकरणों में, जिसमें प्रथम ट्रक का मूल्य जो है वो 20 लाख रुपए के आसपास है और दूसरे ट्रक का मूल्य लगभग 25 लाख रुपए के आसपास है। इस प्रकार पुलिस ने दोनों प्रकरणों में संपूर्ण जो मसरूका है वो लगभग 1,21,75,200 रुपए का जब्त किया है, और अभी इसमें दोनों ट्रक जो चालक हैं उनको आरोपी बनाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है, और प्रकरण में जो भी तथ्य आगामी विवेचना में आते हैं तो अन्य लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा।